हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का बैकग्राउंड देख के तो आप समझ गए रहोगे कि आज का ब्लॉग किससे रिलेटेड है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे, और आप लोग को इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं छोले भटूरे कैसे बनाती हूँ। तो बने रहो मेरे साथ। तो गाइज चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे से ये कुकर का जो ये है ना, ये टूट गया, तो अभी कैसे भी करके बनाना पड़ेगा। तो पहले मुझे आलू डालना है इसमें। मैंने आलू को धो दिया है, तो पहले आलू, उसके बाद मटर, मटर मतलब बटाना, समझ गए रहोगे। तो हम लोग तीन लोग आज खाने वाले हैं, मैं, जोएल, पापा। तो तीन लोग के लिए पूरा बना देती हूँ, क्या होगा बच के। तो ये भी मैंने डाल दिया है, और अभी तो आप जानते रहोगे ये है लोटा, तो इसमें से पानी लेंगे फिल्टर में से। एक लोटा डाल दिया है, थोड़ा और लगेगा उसमें बस। और अभी डालूंगी इसमें थोड़ा सा सोडा। चम्मच दो सोडा, जल्दी यूज नहीं करते ना, तो इसीलिए इसमें हम लोग ने चम्मच में डाल के रखते हैं। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, अभी हम इसको गैस पे रखते हैं। मम्मी बोलती है कि इसको चढ़ाने से पहले ऐसे ही कर लेना, चले तो क्या पता कभी कुछ भी हो सकता है ना। इसमें मेरे को डर लग रहा है कुछ होगा तो नहीं ना। जो नहीं नहीं सो गाइज, मैंने वो तो चढ़ा दिया बटाना और आलू वगैरह कुकर में, और अभी जा रही हूँ कटिंग करने। जो जोएल अभी कर रही है बैठ के, ये देखो कांदा है, धनिया है और लहसुन है, ये सब। तो अभी मैं भी इसकी मदद करने जा रही हूँ। तो चलो और आगे आगे देखते जाओ। पेस्ट बनाना है हम लोग को, तो पहले पेस्ट का सारा सामान इसमें रख। पहले ये लहसुन, हम लोग किसी भी चीज में ये सब चीजें ज्यादा डालते हैं, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पापा मेरे पनीर बनाते हैं वो भी बताऊंगी, बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरे घर में आज तक मेरी मम्मी को भी पनीर बनाने नहीं आता, मुझे भी नहीं आता और किसी को नहीं आता, बस पापा बनाते, किसी को बनाने भी नहीं देते। तो पापा मेरे पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि पापा कैसे बनाते हैं। पहले अभी आप मेरे छोले भटूरे के आनंद उठाओ यार। तुझे ऐसा इरिटेट क्यों हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत थैंक। अभी ये अदरक है, इसका भी पेस्ट बनाना है मुझे। वैसे मेरे हाथ का छोला भटूरा मेरी बहन को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पापा को अच्छा लगता है। पापा को मेरे पापा भटूरा तो नहीं खाते, वो रोटी खाते हैं, लेकिन छोला उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे हाथ का ऐसा छोला कहीं नहीं पाओगे। तब भी बोलती है कि दीदी छोला बना देना, छोला बना देना, अपने हाथ का भटूरा। मैंने बोला सर अभी कल के परसों ही बोल रही थी सपने में। मिक्सर में पीसना है, तो पहले थोड़ा थोड़ा ही पीसूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्ट है। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज ये सब डाला है, तो इसका भी हम लोग पेस्ट बनाएंगे। पहले इतना पीस लेते हैं, फिर
इतना रेडी होगा अभी। कभी भी मैं पेस्ट बनाती तो इसका आधा होना चाहिए, तभी थोड़ा छोले में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मैं इसको डालती हूँ पहले इसमें। अभी ये भी सब डाल दूँ और टमाटर, दो टमाटर क्योंकि तीन लोग ही है खाने के लिए, तो ज्यादा बन के क्या होगा। तो उसको कटिंग करेंगे पहले। अभी इतना करती हूँ, बाकी अभी धनिया भी करना है तो एक टमाटर उसके साथ कर दूंगी। मैं कभी भी एक साथ नहीं करती ढेर सारा क्योंकि मुझे डर लगता है मिक्सर से थोड़ा। अभी ये एक और टमाटर रह गया है, इसको डालूंगी। कड़ी पत्ता है, पहले धनिया डालूंगी। कितने लोग छोले में धनिया काट के डालते हैं, कितने लोग वैसे पीस के डालते हैं, तो मैं इसको मिक्सर में पीस ही देती हूँ थोड़ा, क्योंकि पीसने के बाद इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी मैंने डाल दिया और इसमें भी रह गया है धनिया, तो अभी मैं धनिया डालूंगी। ये सब तो अभी मेरे को धोना पड़ेगा सब। तो अभी रह गया है जीरा, जीरा भी डाल दूं। जीरा कभी भी ज्यादा डालूंगा, मतलब आप लोग को आता ही रहेगा, मैं तो बस ऐसे कर रही हूँ। तो मैं जीरा इतना डालूंगी, फिर जीरा डाल दिया अभी ही। अभी देखते हैं पेस्ट कितना हुआ मेरा पूरा मिला के। अरे यार थोड़ा सा जीरा नहीं हुआ, हो गया अभी। ये धनिया भी हो गया, तो इसमें मैंने जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक और कांदा, टमाटर ये सब डाल के इसका मैंने पेस्ट बनाया है। अब इसमें मैं मसाला में डालूंगी एवरेस्ट मसाला और छोले का मसाला डालूंगी और ये हल्दी और थोड़ा सा लाल पाउडर। जो आप देख सकते हो ये मैंने इतना पेस्ट बनाया है, इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। सो गाइस छोले का पेस्ट तो मैंने बना लिया है, छोला ये भी हो चुका है, बस अभी मुझे छोले को फ्राई करना है, सब कुछ करना है। तो अभी पहले मैं भटोरे का ये सान के रख दूँ ताकि छानने के टाइम वो फूगे थोड़ा। तो ये मैदा मैंने ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी दही, दही डाल दिया और नमक, नमक हल्का सा ही चलेगा इतना, इतने छोले में इतना, इतने भटोरे में इतना नमक सही है। और थोड़ा सा सोडा, ताकि इनो भी डाल सकते और ये भी डाल सकते, पर मेरे को इनो से ज्यादा ये सोडा अच्छा लगता है क्योंकि सोडा से काफी ये फूटता है, तो फूटता नहीं फूलता है सॉरी। इसको मैंने डाल दिया है, अब हम करेंगे सबको मिक्स। तो गाइस मैंने मैदे को पूरा एक गूंस लिया है, जो भी बोलते सान लिया जो भी, तो कर लिया है। अभी मैं इसको ऐसे रखूंगी, बाकी इसमें थोड़ा सा पानी से थोड़ा थोड़ा टैप कर दूंगी, तो मैंने इसको टैप भी कर दिया। बाकी जो थोड़ा सा मुझे मैदा चाहिए उसको बेलने के लिए, तो इतना मैंने मैदा भी निकाल लिया है। तो अभी इसको इसको कम से कम एक घंटे या आधे घंटे तक ढक के रखना है ताकि बेलने के टाइम वो फूगे। तो गाइस मैंने पापा के लिए भी ये आटा थोड़ा सा गूंदा है क्योंकि पापा को भटोरे नहीं पसंद, तो पापा के लिए थोड़ी सी रोटी बनानी पड़ेगी। तो मैंने आटा भी कर लिया है, मैदा को भी कर लिया है, बस अभी मुझे ये किचन पूरा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं टाइल्स पे ही बेलती हूँ क्योंकि मुझे चौका पे बेलने नहीं आता, तो मेरे को बचपन से जब से मम्मी ने सिखाया तब से मैं टाइल्स पे ही बेलती हूँ। सो गाइस मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया क्योंकि बहुत गंदा हो गया था,
तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने पापा के लिए। तो रोटी भी बनने वाला है, बस दो या तीन और रह गया है क्योंकि पापा चार पांच ही खाते हैं बस रोटी। सो गाइस, जोयल का काम है चावल बनाना शाम को, तो जोयल अपने काम में लगी हुई है। देखो चावल कैसे बस पापा के लिए ही बना रही है क्योंकि चावल तो कोई खाएगा नहीं छोले के साथ। हम लोग खाएंगे तो बस छोला भटूरा, पापा खाएंगे रोटी छोला चावल। तो पापा के लिए जोयल चावल बनाने जा रही है, तो देखो तो बना नहीं सकती। हाँ तो गाइस, पहले इसमें हम डालेंगे मीठा तेल, थोड़ा सा रिफाइन होता है, हम लोग मीठा बोलते हैं, रिफाइन शायद गांव में बोलते हैं। फिर ये है राई का तेल, इसको भी डालेंगे। हम लोग किसी भी चीज़ में, मतलब ये सब चीज़ में तेल ज़्यादा डालते हैं, आप ऑयल भी बोल सकते हो, तेल भी बोल सकते हो। तो मैंने डाल दिया है। सो गाइस, पहले ये है कश्मीरी मिर्ची, जो इसका तड़का दूंगी, बाकी पचफोरन और जीरा डालूंगी, उसके बाद ये कांदा, फिर कड़ी पत्ता दिखाया ना इसके साथ दोनों करूंगी। चलो पचफोरन मैंने डाल दिया है, अभी जीरा डालती हूँ। जीरा मैंने पेस्ट में भी डाला था और ऐसे भी डाल दी हूँ, थोड़ा इसको हो जाने देते, मेरे को डर लगता है। मैं तो वीडियो के लिए थोड़ा क्लोज हूँ, नहीं तो मैं तो दूर से करती हूँ, तो करते थोड़ा। उसके बाद कड़ी पत्ता और ये कश्मीरी मिर्ची डालते। जो ये क्लोज कर दिया ताकि आप लोगों को पता ना चले कि मैं बोल रही हूँ। अरे ये सारी जो ये का चावल भी हम लोग सब 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 कुछ बैठा रहता है। जोयल ने ये कांदा कट किया है, देखो काफी अच्छा कट करती है। ये पेस्ट बना के रखी, उसमें अभी मुझे डालना है मसाला वगैरह। तो गाइस अभी इसमें मैं डालती हूँ पहले ये क्या बोलते इसको, हाँ एवरेस्ट मसाला है ये, इसको थोड़ा सा बस एक चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी ये। उसके बाद ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है, इसको भी थोड़ा सा ही डालूंगी हल्का सा, क्योंकि धनिया मैंने काफ़ी सारा उसका पेस्ट बनाया है हरी धनिया का मतलब। तो अभी हल्दी डालते हैं, और ये है छोला मसाला। मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है, बस अभी इसको मेरे को सो गाइस ये हो चुका है, अब इसमें मुझे डालना है मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया है इसका पूरा, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। क्या सुगंध आ रही है यार। थोड़ा सा मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाया, कप का बनाया था, तो ये सब बनाने के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला पीने के लिए, तो अभी मैं इसको गरम कर रही हूँ, गरम करने के बाद फिर पीऊँगी। और ये अभी मसाला पक रहा है, उसके बाद ये कुकर का हाल देखो, मैंने बोला ना मेरे से अक्सर बहता रहता है सब कुछ, तो अभी इसको खोलूँगी, पहले ये मसाला पक जाने दो फिर इसे खोलते हैं। तभी तो इसका हाल ऐसा हो गया यार, देख सकते हैं ये पूरा हो चुका है, हो गया। इसको कैसे पकड़ के डालू तो साथ में, राम 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 राम
अभी मेरा हाथ गर्म नहीं लगा, अभी इसको तब मैं तो जोएल के लिए निकाल देती हूँ बेसिन में। जोएल देख सकते हो आप लोग, जोएल को कितना बर्तन धोना पड़ेगा अभी, इससे भी ज्यादा अभी। तो अभी इसमें नमक डालेंगे। मैंने देखो मेरा चाय अभी मैं पी ली क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो अभी इसमें नमक डालते थोड़ा सा क्या नमक मतलब डालना ही पड़ेगा। गाइस जिससे मैंने ढका था वो तो पूरा खराब हो गया था छोले की वजह से, तो उसे मैंने बेचिंग में डाल दिया। बाकी अभी मेरा छोला हो चुका है तो मैं इसे अभी बंद कर देती हूँ। अभी मैं पूरा इसको आपको दिखाऊंगी जब मैं पापा के लिए निकाल दूंगी, तब थोड़ा मैं देख लूँ चला के पहले कि सच में अच्छा हो गया है। सो गाइज छोला भी रेडी हो चुका है, पापा का रोटी चावल वगैरह सब रेडी हो गया है। अब इसमें मैं जा रही हूँ भटूरा छानने। ये देखो मेरा भटूरा अभी मतलब भटूरा नहीं है मतलब मैदा है। अब इसको मुझे एक बार फिर मारना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और ये कढ़ाई का हाल देखो, इसमें मैं छोला भटूरा बना बना के इसका क्या हाल कर दी हूँ। तो अभी मैं ये ऑयल डाल दूँ या इसको ज़्यादा डाल रही हूँ इसके लिए क्योंकि ये फूकेगा थोड़ा। तो देख सकते हो मैंने पूरा लोहिया काट लिया है, अभी ऑयल गर्म हो रहा है पूरा, जब तक गर्म नहीं होगा तब तक आपको। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, आई थिंक पता चल जाएगा अभी। मेरी मम्मी बोलती है कुछ भी करने से पहले, जैसे पूरी हो गया या कुछ भी हम छानने जा रहे हैं उससे पहले हम ऐसा दो टू लोइया बनाते हैं। मैं भोजपुरी में बोलती हूँ, दो लोइया बनाते हैं फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा परतन लगा के, अगर आपकी कोई भी विश है तो उसको पहले एक देखो, ये आपकी विश है, ये इसको ऐसे क्यों, जो विश नहीं है इसको नहीं, दोनों ऐसे से कर दो, ये विश है इसको ऐसे कर दो ताकि पता चल जाए। तो डालते हो जो फूगा समझ जाओ कि विश कंप्लीट हो गई। तो अभी ये डाल रही हूँ और ये बिना विश का, ये इसलिए नहीं फूगा और ये मेरा फूक गया, मतलब मेरी विश कंप्लीट होगी बहुत जल्दी। आपने देख लिया कि मैंने सब कुछ बना लिया है, छोला बन गया है, भटूरा बन गया है, चावल बन गया है, पापा के लिए रोटी भी बन गया। सो गाइज पापा जॉब पे से आ चुके हैं और वो खाना खाने जा रहे हैं। मैंने जो छोला बनाया था अभी देखते हैं पापा को कैसा लगता है, भटूरा उसमें है हाँ। और जोएल भी खाने बैठी है, जोएल को भी बहुत भूख लगा था तो देखते हैं पापा को, भटूरा पसंद नहीं है पर पापा खाएंगे। हाँ देखो पापा एकदम लाल लाल वाला निकाल रहे हैं क्योंकि पापा को वाइट वाला भटूरा नहीं पसंद। जोएल भी खा रही है, मुझे भी निकाल। हाँ घी डाल दे पापा में, कैसा
आज मैं आप लोगों को खिला सकती हूँ, बट कोई नहीं, कभी मिलना है तो मैं आप लोगों को खिलाऊंगी जरूर। मम्मी और भाई आप दोनों को भी हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। कोई नहीं, आप तो गांव में एंजॉय कर रहे हो, करो। मेरे भाई का तो फेवरेट ही है। मेरे भाई का ये फेवरेट है, और आप लोग का भी अगर फेवरेट रहेगा तो कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच गाइस मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आज मेरा छोटा मोटा आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय।